हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज वेजिटेबल स्पाइसी पास्ता बनाने जा रही हूँ। 250 ग्राम पास्ता ली हूँ, 3 टमाटर का पेस्ट, ऑयल, अदरक 3 से 4 कलियाँ लहसुन का, कैप्सिकम, हरा कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम, पीला कैप्सिकम, 1 गाजर, 4 से 5 बीन्स काट ली हूँ, 2 मिर्ची। 1 बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। 1 हाफ चम्मच नमक दे दी हूँ। एक चम्मच ऑयल दे दी हूँ। इसे उबाल आने तक गर्म होने दे। उबाल आ गया है, इसमें पास्ता डाल देती हूँ। देखिए, मेरा पास्ता अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे छान लेती हूँ, एक बार ठंडे पानी से धो ली हूँ। कढ़ाई गर्म होने के लिए रखती हूँ। गर्म हो गया है, इसमें 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल दे दी हूँ। तेल भी गर्म हो गया है, इसमें लहसुन दे देती हूँ। लहसुन और अदरक दोनों दे दिया हूँ। ये देखिए पक गया है। मिर्ची दे दी हूँ। इसके बाद प्याज दे देती हूँ। 3 प्याज मैंने कट करके रख ली थी।